हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है तन्वीर और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद तन्वीर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रजिस्ट्री के द्वारा कैसे अपने कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारी स्क्रीन पे आप ऐसे देख रहे हैं कि जब भी हम लोग राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पे तो राइट क्लिक के कुछ कॉन्टेक्स्ट मेनू देते हैं, लेकिन इसमें एक चीज आप और देख रहे हैं कि शट डाउन, कंप्यूटर शट डाउन का भी ऑप्शन दे रहा है। तो आखिरकार कैसे हम लोग रजिस्ट्री शट डाउन कर सकते हैं, इसके लिए चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम डेस्कटॉप पे जब राइट क्लिक कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास शट डाउन कंप्यूटर का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो हम रजिस्ट्री एडिट के माध्यम से हम यहाँ पर शट डाउन का ऑप्शन क्रिएट करेंगे, जिससे आप रिफ्रेश करते हुए भी आप आराम से सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। इसके लिए हम रन कमांड पे जाते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे REGEDIT रजिस्ट्री एडिटर। अभी हम इसको यस कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद यहाँ से हम है कि लोकल रूट इस वाले ऑप्शन को एक्टिवेट कर लेंगे। इसको एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड का एक ऑप्शन लगेगा, इसको मैं थोड़ी सी विड्थ बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड का एक ऑप्शन दे रहा है, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद सेल वाले को भी एक्सपेंड कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसी पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू पर जाने के बाद यहाँ की का एक ऑप्शन दे रहा है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे शट डाउन स्पेस कंप्यूटर। इसके बाद फिर इसी पे हम राइट क्लिक करते हैं, फिर न्यू पर जाएंगे और की पर जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे कमांड COMMAND। और जैसे ही कमांड को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट का एक ऑप्शन दे रहा है और वैल्यू नॉट सेट। इस पर हम माउस से डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए वैल्यू डाटा का एक ऑप्शन दे रहा है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे शट डाउन स्पेस ये फॉरवर्ड स्लैश स्पेस फिर स्पेस फिर फॉरवर्ड स्लैश टी फिर स्पेस 00 और इसको कर लेंगे हम ओके। ओके करने के बाद इसको भी हम कर देते हैं क्लोज और फिर से हम राइट क्लिक करके चेक कर लेते हैं। देखिए शट डाउन कंप्यूटर का ऑप्शन दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को बंद भी कर लेते हैं। हम राइट क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि शट डाउन हमारा काम कर रहा है कि नहीं। चलिए हम शट डाउन पर जैसे ही क्लिक करते हैं देखते हैं, देखिए हमारा सिस्टम शट डाउन हो गया।